بسم الله الرحمن الرحيم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرزا وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم लई सन्ना मन गश मुसलिमन अवान मुस्लिम वक़ाल मौलाना अलीबनुसैैन अन्आजिकन तब्या अलादिन उ मुमनिन कराम हज़रत सैदाजिद्दीन जैनिद्दीन इमाम सज्जाद सलात वसलाम ने दुआए इस में जिन अखलाक़ी अमराज और अखलाक़ी बीमारियों से और इंसानी कमजोरियों से तमाम इंसानों को खसूसा मुमिन को आगाह किया है और बाखबर किया है और जिन बीमारियों से मौलान ने बारगा हिला में पनाह तलब की है एक इंतहाई ख़तरनाक और महलिक मरज़ दूसरों को धोखा देना है दूसरों के साथ फ्रेब के साथ पेश आना है और दूसरों से हक़ को छुपाना है या दूसरों के साथ मिलावट कर देना और जो हकीकत की अशिया हैं उनको छुपा देना फ्रेब देना धोखाबाजी करना मकर के साथ हीले के साथ ज़िंदगी करना ये ज़िंदगी की इंतहाई ख़तरनाक बीमारियों में से है वो शख़्स जो दूसरों को धोखा देता है और फ्रेब देता है और हकीकत और सदाक़त के साथ पेश नहीं आता दर हकीकत ये शैतान की सीरत पे चलता है और एक शैतानी सिफत को अपना लेता है दूसरों को दे धोखा देना फ़रेब के साथ पेश आना और हकीकत को छुपा लेना ये शैतान की सिफत है शैतान लोगों को धोखा देता है और शैतान लोगों को गुमराह कर देता है फ़रेब देने वाला धोखा देने वाला ये शैतान है लिहाजा जो इस सिफत को अगर अपना लेता है उधर हकीकत एक शैतानी सिफत को अपना लिया है इसी तरह से कुरान पाक में सरहान आया है धोखा देने वाले फरेब के साथ पेश आने वाले या फिर हक़ाक़ को छुपाने वाले ये मुनाफिकीन है मुनाफिकीन खुदा को धोखा देते हैं और ममिन को धोखा देते हैं और उनकी जिंदगियों में हकीक़त नहीं है, सदाकत नहीं है फ़राड करने वाले धोखा देने वाले और लोगों के साथ हकीकत के साथ पेश न आने वाले ये मुनाफिक है शोर मबारक बकरा की आयत नंबर आठ और आयत नंबर नौ में वाज लफ्ज़ों में इज़्ज़त ने मुनाफिकीन की सिफात और उनकी शनाख्त और उनकी पहचान कराते हुए इज़्ज़त ने फरमाया वमिन वमिननासमईल आमन ना बिल यौमिल आखिर लोगों में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये बात करते हैं यक़ुल आमन ना बिल्ला यौमिल आखिर हम खुदा पर ईमान ला चुके हैं और कयामत पर और रोज़ जजा पर ईमान ला चुके हैं भी मोमिनीन, व हालंकि वो ईमान लाने वाले नहीं है ना वो खुदा पर ईमान ला चुके हैं ना वो कयामत पर ईमान ला चुके हैं बल्कि लोगों को धोखा देते हुए मकर व फ्रेब के साथ पेश आते हुए अपने ईमान का इज़हार करते हैं और कहते हैं हम खुदा को भी मानते हैं क्यामत पर भी हम ईमान रखते हैं सरवर कायन की रिसालत और नबूत पर भी हम ईमान रखते हैं वाले के कुरान वाज लफ़ों में कह रहा है वमा हम भी मोमिन ये दोखे लोग हैं ये फ़रेब देने वाले हैं मकर व हीले के साथ पेश आने वाले हैं ये हकीकत में मोमिन नहीं हैं मजीद फरमाया الله ख़ाद آمنوا وما लजीन आमनुमा انفسهم ये जो कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं खुदा पर और आखरत पर और हकीकत में ममिन नहीं है ये दर हकीकत खुदा को धोखा देने वाले हैं यह खुदा को धोखा देते हैं और इसी तरीके से मोमिन को धोखा देते हैं ये धोखेबाज लोग हैं ये मक्कार और खुदा नास्ता गद्दार लोग हैं मकर और फ्रेब और हीले के साथ पेश आ रहा है और वहाँ लड़की ये ना आखरत पर ईमान रखते हैं ना खुदा पर ईमान रखते हैं मजीद फरमाया ये जो खुदा को देख धोखा देने वाले या अमिन को धोखा देने वाले हैं हकीक़त तो ये है वह अपने आप को धोखा दे रहे हैं उमा या शुरून। लेकिन उनके पास शही है उनके पास इदराक नहीं है ये समझ रहे हैं कि हम खुदा को धोखा दे रहे हैं तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो तुम समझते हो मोमिन को धोखा दे रहे हैं मोमिन तुम्हारे धोखे में नहीं आएंगे तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो लिहाजा एजान करामी इस आयत की रोशनी में दूसरों को धोखा देना मकर के साथ हीले के साथ फ्रेब के साथ पेश आना ये मुनाफी की सीरत है ये मुनाफी की पहचान है मुनाफिक इंसान दूसरों को धोखा देता है मोमिन को खुदा को धोखा देते हैं, लेकिन मोमिन हकीकत और सदाकत और सच्चाई के साथ पेश आता है उसकी ज़िंदगी में फ्रेब नहीं है उसकी ज़िंदगी में धोखा नहीं है उसकी ज़िंदगी सरापा आपा और हकीकत पर मबनी है सरवर कायनत ने फरमाया जो शख्स मुसलमान है वाकई मुसलमान किसी को नहीं धोखा दे सकता इसी तरीके से जो वाकई ममिन है वो किसी को धोखा नहीं दे सकता इसलिए कि जो धोखा देने वाले लोग हैं मक्कार लोग हैं गद्दार लोग हैं सरवर कायनाना ने फरमाया दर हकीकत ये जहन्नमी है इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है इनसे इनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है इसलिए कि जो धोखा देने वाला है वो मुसलमान नहीं है वो दायरे इस्लाम से खारिज है और क़यामत के दिन जितने भी धोखेबाज है जितने भी गद्दार है लोगों के साथ फरेब के साथ पेश आने वाले जितने भी लोग हैं वो सब के सब जहन्नमी है मोमिन कराम आज कल दुनिया की सबसे बड़ी जो बुराई है या सबसे बड़ा जो अलमिया है पूरी कायनात के अंदर वो धोखा देना है फ्राट के साथ हीले के साथ ज़िंदगी करना है हुकूमतें अपनी आवाम को अपनी पब्लिक को धोखा देती है इसी तरह से बाजारों में मुसलमान एक दूसरे को धोखा और फरेब के साथ पेश आते हैं लिहाजा कायनत में जितनी भी तबाही है बर्बादी है जितनी भी ज़र्र और नुकसान है वो दुखी की वजह से है एक काश कायनत में मुसलमान सदाकत और सच्चाई अख्तियार कर लेते हमारे बाजारों में किसी को धोखा न देते और वो हुकूमत पर बरसर अकतदार आने वाली हुकूमतें और हुकुमरान अपने आवाम को अगर धोखा न देते सदाकत और सच्चाई के साथ पेश आते तो दुनिया के अंदर ये सारे मसाइल मुश्किल ख़त्म हो जाते ये सारी परेशानियाँ ये सारी मुश्किल धोखे की वजह से फ्रॉड की वजह से पेश आ रहे हैं लिहाजा सरवर कायन ने फरमाया मन का न ला लायम कुर वलायद जो शख्स वाक़ी मुसलमान हो वो किसी से मकर के साथ पेश ना आए किसी को धोखा न दें धोखाबाजी न करें यखदा और किसी को हीला भी और आ, किसी को जो है वो फ्रॉड भी किसी के साथ ना करे फिर इसकी बात इस हदीस का हवाला दिया सरवर कायनान ने जबरील अमीन इज्जत की बारगाह से ये पैगाम लेके आया फरमाया इज्जत ने यह फैसला किया है दुनिया में जितने भी मक्कार लोग हैं जितने भी गद्दार लोग हैं जितने भी धोखेबाज़ लोग हैं इन सब को इज्जत दूसरों को धोखा देने की वजह से दूसरों को हीला करने की वजह से और नुक़सान करने की वजह से ये सब के सब जहन्नम में चले जाएंगे लिहाजा धोखा देने वाला इंसान जहन्नमी है वो अपने धोखे की वजह से फराड की वजह से हकायक को छुपाने की वजह से वो जहन्नम में चले जाएंगे फरमाया समय तुजरील यकूल इन नलमकर वल आता फिनार मकर करने वाले धोखा देने वाले ये सब के सब जहन्नम में चले जाएंगे उसके बाद फरमाया इज़्ज़त ने पैगाम दिया है ए सरवर कायनत आप खुद अपने ज़ात के लिए सदाक़त और सच्चाई को अपना लें और अखलाक और बुलंद किरदार को अपना लें के जिस इंसान की ज़िंदगी में सदाकत है सच्चाई है और बेहतरीन अखलाक और किरदार है खुदा की जानिब से इसके लिए दुनिया में भी कामयाबी है और आखरत में भी कामयाबी है लिहाजा सदाकत कामयाबी का रास्ता है सच्चाई कामयाबी का रास्ता है धोखा और फरेब को तर्क करना ये दुनिया और आखरत दोनों की कामयाबी का रास्ता है उसके साथ साथ बेहतरीन किरदार को अपना लो बेहतरीन अखलाक को अपना लो लिहाजा दोनों जहानों में कामयाबी मिलेगी इस रिवायत के आखिर में आया है फ़ाल या महमद सल्ला वसम खुदा की जानिब से जबरील अमीन ने यह पैगाम दिया अल्लाह के हबीब खुदा की जानिब से आपके लिए पैगाम है अलई कभी हुसनखल्क़ फ़िन नसुल अलखल्क़ तजहब बैर दुनिया व फरमाया बेहतरीन अखलाक को अपनाया करो इस तरह की बेहतरीन अखलाक में दुनिया और आखरत दोनों की बलाई है और बद अखलाकी से तन खुई से कच खुलकीकी से अपना लो इस तरह की जो बद अखलाक इंसान हो जाए उसकी दुनिया और आखरत दोनों बर्बाद हो जाती है एक और रिवायत में आया है मौलाई कायनात ने मोमिन की शान मोमिन की सफत और मोमिन की शनाख बयान करते हुए फरमाया ममिन की कई सफात हैं उनफा में से पांच सिफात को मौलाना बयान किया पहली सिफत यह है मोमिन किसी को धोखा नहीं देता किसी के साथ फरार के साथ हीले के साथ या मकर के साथ पेश नहीं आता सदाकत और सच्चाई से पेश आता है न वो कभी झूठ बोलता है न किसी को धोखा देता है फरमाया पहली सिफत यह कि मोमिन किसी को धोखा नहीं देता दूसरी सिफत फरमाया मोमिन किसी से खयानत भी नहीं करता गद्दारी भी नहीं करता है वो इंतहाई अमीन है इंसान अमानत के साथ मोमिन अमानत और सच्चाई के साथ पेश आता है और तीसरी सिफत फरमाया वला यजुल हो मोमिन किसी दूसरे मोमिन को तनहा भी नहीं छोड़ता सख्तियों में उसके लिए सहारा बनता है सख्तियों में उसके साथ मदद करता है और किसी भी मुश्किल में दूसरे मोमिन को तनहा और अकेला नहीं छोड़ता बल्कि उसकी मदद करने वाला है तीसरी चौथी सिफत फरमाया वला या तहीम हो और मोमिन दूसरे मोमिन पर तोहमत भी नहीं लगाता वो इल्ज़ाम तराशी भी नहीं करता है कभी एक दूसरे पर इल्ज़ाम नहीं लगाता है इल्ज़ाम लगाना तोहमत लगाना ये मुनाफिक की अमत है मोमिन की शान ये नहीं है और आखिरी और पाँचवीं सिफत फरमाया मोमिन एक दूसरे मोमिन से नहीं कहता मैं तुझसे बेजार हूँ मैं तुझसे नाराज़ हूँ अगर उसने कोई गलती किया है तो साब लफ्ज़ों में कहता यह तुम्हारी गलती है यह तुम्हारा इज्तवा है या आंदा ऐसा ना करना लिहाजा गलतियों की तरह मुतवजी कर लेता है लेकिन अगर कोई गलत काम कर बैठे या खुदा नाखास्ता कोई गलत जुमला कह बैठे तो वो ये नहीं कहता बस तुम सब मेरी दूरी है अब तुम्हारा और मेरे दरमियान में कोई ताल्लुक़ नहीं है मोमिन एक दूसरे से ताल्लुकात को मनखा नहीं करता रिवायात में सख्ती के साथ मना किया गया है कि एक दूसरे से ताल्लुकात को मनखा न करो एक दूसरे से राबिता रखो एक दूसरे की खुशी में शरीक हो जाओ एक दूसरे की बीमारी में अयादत करो लिहाज़ा राबिते को मन करना चाहे वो रिश्तेदारों से राबिता मन करना हो या आम मोमिनीन से राबिता मन करना इंतहाई गुनाह करार दिया गया है ख़ुद मौला कायन के वसीयत नामे में है अलैकुम कुम बस व तवाजुल व्याया कुमात व ने फरमाया तुम सब पर वाजिब व लाजिम है एक दूसरे से रबत रखो एक दूसरे के साथ तल्लक़ात रखो आना जाना एक दूसरे के साथ गम में खुशियों में शरीक होना यह तुम सब पर ज़रूरी है और फरमाया खबरदार खबरदार एक दूसरे से पुष्ट न करना एक दूसरे से ताल्लुकात को मुनते न करना इयाकुम व्या अतका रबत करने से मौलाना ने मना किया जैसे इस रिवायत में मौलाना फरमाया मोमिन की सिफात बयान करते हुए खाल ने फरमाया अल मोमिनु ला फरमायालमिनश मोमिन एक दूसरे को धोखा नहीं देता मिलावट नहीं करता फरेब उसकी ज़िंदगी में नहीं है और धोखाबाजी के साथ वो पेश नहीं आता वो मजीद फरमाया वला यून हो और एक दूसरे के साथ खयानत भी पे, नहीं करता गद्दारी भी नहीं करता है वला यकजुल हो तनहा भी नहीं छोड़ता वलाय हूँ और एक दूसरे पर तोहमत और इल्ज़ाम भी नहीं लगाता मजीद फरमाया वला यक़ुल अना बरी उनमिन और ये भी नहीं कहता कि तुझसे मेरे ताल्लुकात मनखते है मैं अब तुम से तल्लुत नहीं रखूँगा नहीं उसकी गलती पर मुतवजह कर लेता है लेकिन रबिते को मनखा नहीं करता आज की दर्स का आखिरी रिवायत मेरी ख्वाहिश है इस रिवायत पर थोड़ा तोज्जु कीजिए और खुदा नाखास्ता ज़िंदगी में ये बुरी सिफत ज़िंदगी में ना आना पाए धोखा देना फ्राड के साथ पेश आना हक़ को छुपाना ज़िंदगी में सदाकत और सच्चाई का ना होना ये शैतानी सिफत है ये मुनाफिकीन की सिफत है इस सिफत को दूर करने की नहायत ज़रूरत है हज़रत मूसब जाफर इमाम उसे काजम अलातम ने कई लोगों को मलून करार दिया है ये मल है खुदा की लानत है रिश्तों की लानत है मोगों की लिस्ट और फिर इसको बयान करते हुए फरमाया वो शख्स भी मे जो दूसरों को धोखा देने वाला है गद्दारी करने वाला है ये भी है दूसरा जो मऊन है उसको बयान करते हुए फरमाया वो शख्स जो दूसरों पर तोहमत लगाने वाला है नाजायज़ तोहमतें लगा देना अल्लाह किसी ने कोई गलत काम नहीं किया है उस गलत काम की जो है किसी की तरह नस्बत देना तोहमत लगाना इल्ज़ाम लगाना फरमाया तोहमत लगाने वाला भी मल है मजीद फरमाया ममिन की गीबत करने वाला मोमिन की बुराई करने वाला बत करने वाला भी मूँ है अजीम गुना है गबत करना मोमिन की बुराई को बयान करना फरमाया फरमायाबत करने वाले लोग भी है मजीद फरमाया वो शख्स भी है जो दूसरों के साथ खैर खाही करने के बजाय लोगों के लिए मुस्बत सोच रखने के बजाय लोगों के लिए मनफी सोच रखने वाला है लोगों को जर्र पहुँचाने वाला है लोगों को नुकसान पहुँचाने वाला है ये शख्स भी मऊन है मौला इमाम मोसबन जाफ़र का फरमान है अन अबिलहसन मोसमिन जाफ़र आसाम अलमोमिनमोमिन मोमिन मोमिन का भाई है उसका नफ़ा और नुक़सान एक है फिर फरमाया मल तहम वो शख्स मल है जो अपने बरदर को उसको तहमत लगाएँ उस पर इल्ज़ाम लगाए वह मन गश अख़ा जो अपने भाई के साथ धोखा दें फ्रेट उनके साथ फ्रेब के साथ पेश आए तो ये भी मौन है मजीद फरमाया मल सह अख़ा जो दूसरे ममिन के लिए खैर ख़ाह न हो जर पहुँचाए नुकसान पहुँचाए वो भी मलून है और आखिरी शख्स फरमाया वो अख़ा जो दूसरे ममिन की अगीबत करने वाला बुराई करने वाला ये भी मूँ है लिहाजा मोमिन कराम आल मोहम्मद की रिवायात उनकी तलमत उनकी सीरत को सामने रखते हुए सच्चाई और सदाकत को इख्तियार कीजिए और ज़िंदगी सदाक़त पर मबनी हो सच्चाई पर मबनी हो हर किस्म की धोखे से फ़रेब से और मिलावट से अपनी ज़िंदगी को बचाइए ताकि मोमिन के दायरे में शामिल हो मुनाफिकीन की से निकल जाए खुदा परवरदिगार तेरे अम्बिया का वास्ता उलिया का वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद की अजमत का वास्ता हमें सदाकत और सच्चाई इख्तियार करने की तोफ़ी अता फरमा हर किस्म की धोखे से फरेब से اپنا آپ کو بچانے کی توفیق فرما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم, <سؤال> اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد